हाल चाल दोस्तों, आई होप सारे भाई अपने बिस्तर में मजे कर रहे होंगे। तो आज वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जय श्री राम, आखिर इस नाम का क्या मतलब है, कभी आपने सोचा है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है अपने आप में? मुझे जहाँ तक लगता है ये पीस रिफ्लेक्ट करता है, एक दूसरे को इज्जत देना रिफ्लेक्ट करता है, मतलब सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी खूबी ये रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस नाम पे कोई फेम भी पा सकता है ये मैंने नहीं सोचा था। तो आप लोग ये वीडियो देखो पहले। कर चौकिए मत, ये दोनों वीडियो जो मैंने दिखाया वो एक ही महिला की है। वीडियो में साफ तौर पे किसी भी आदमी का माइंड वॉश किया जा सकता है, एक तरफ भक्ति के नाम पर फेम लेना और दूसरी तरफ अपनी मन की इच्छा को पूरी करना। अब इसे फ्रीडम कहे या भगवान सम्मान कहे, अब भक्ति और फ्रीडम के नाम पे ये लोगों के तो अच्छे खासे इनकम हो रहे। लेकिन अब बात करते देश के ऊपर, जहाँ पर अमित शाह का ये वाला न्यूज तो आपको पता ही होता हूँ, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम। 20 लाख रुपए भी मिल जाए। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी, मतलब आपसे जो भी वादे किए जा रहे हैं वो झूठ बोलकर किए जा रहे हैं, जिससे कि आप इनको वोट दें और उसके बाद में ये आपसे पैसे वसूले। मतलब आपका इसमें क्या फायदा हुआ? बात इनके काम की तो आप खुद ही सुन लीजिए। फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर GST लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। ये सरकार झूठ की सरकार है। बहुतों को ये भी नहीं पता होगा कि सिनेमा के टैक्स होते भी है क्या, मतलब उनको तो कुछ टैक्स नहीं देना है करोड़ों के खर्चों के बावजूद, और यहाँ पर एक गरीब इंसान 10 रुपए की चाय पत्ती लेने जा रहा है उस पर भी GST भर रहा है। मतलब गरीबों को मिटाया जा रहा है या गरीबी मिटाई जा रही है? आप मतलब किसी सुपरस्टार को क्या जरूरत है कि वो जाके काम करेगा, वो तो अपना 1 BHK 2 BHK में अपने फैमिली के साथ मजे से रह रहा है, 10 घर बना के। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो सिर्फ एक RK में अपने 10 से 12 परिवार को लेकर, मेंबर्स को लेकर रह रहा है, उसके लिए ये एक बड़ा स्ट्रगल है। तो इसमें हमारा क्या फायदा है, हम क्यों आपको वोट करें? 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी। मोदी जी का ये बयान तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इससे आगे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो योजना है घर देने की, आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिली है। अच्छा, और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिली है और हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हुज हियर। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं। अरे देवा, घर रहने समय झोपड़ी में रहेंगे आप ही लोग, देखिए ये का पता लगाया तो ऐसे ही एक न्यूज फैला दिया गया है और साथ में 22,000 लोगों को इंक्लूड किया गया है। मतलब जब एक सिंगल लड़की को आपने घर नहीं दिया, एटलीस्ट उसको तो दिया होता था कि बाकी 22,000 का नहीं पता होता। जब आपने जिसकी तस्वीर लगाई उसको जब घर नहीं दिया तो 22,000 की तो दूर दूर। ये सरकार खाने पीने पर टैक्स लगा सकती है तो ये घर क्या ही देगी कोई अपने? आपको क्या क्या लाभ मिला है? आवाज मिला है, आपने बना दिया, आपने बना दिया। पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था, हाँ, कपड़े का घर था, हाँ, हाँ, जी, और अच्छा बन गया, जी, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला। वीडियो में उस महिला के घर एक दिन पहुंचने से पहले उसके घर में सारी चीजें अवेलेबल कराई गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी नगर सेवक के लिए भी किसी के घर में ये चीजें उपलब्ध कराना, लेकिन ये PM मोदी है जो कि पूरी दुनिया को चला रहे, भारत देश को चला रहे और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इस तरह से इन्हें हम वोट दें, इसमें हमारा क्या फायदा है जो हम इनको वोट दें? इनको इनका साथ देंगे, हम राहुल गांधी का साथ क्यों ना दें? ऐसे भी बहुत से वीडियोस हैं जो आप CII में अमित शाह का लड़का बैठा है, यार मतलब क्या कर रहे हो, झूठ बोलो लेकिन कैलकुलेट करके बोलो, ऐसे मत बोलो कि उसकी कोई तीन अच्छा काम होगा, ठीक है, एक तो देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने को छोड़ के जम्मू में 370 लागू किए, दूसरा तो 370 चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के, नहीं आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं, लेकिन एक खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है। 3 तलाक आप मुसलमान है नहीं ना मुस्लिम महिला, लेकिन आपको खुशी है, खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं, G20 का मतलब क्या है, संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी, हाँ खुशी, खुशी से बढ़ के क्या है। 15 साल से वो बंदा मोदी बैठा है लेकिन उसने किया क्या है किसी को क्या, उसके 3 काम भी नहीं पता है और लोग अंधभक्त मोदी भक्त बन के बैठे हुए हैं। और मेरे जैसे जो कई करोड़ है उनका क्या होगा, उनके परिवार कैसे चलेंगे? 15,000 की सैलरी में हम कुछ नहीं कर सकते, 10,000 की GST लगाकर अपने जेब अच्छी तरह से भर सकते हो। तो न्यूज वालों को ना सुने बल्कि जो मेरी तरह और ध्रुव राठी की तरह काम कर रहे हैं उनको सुने और उनको फैलाए, जिससे कि ये चीजें खत्म की जाए और एक नई सरकार और अच्छी सरकार देखने का 200 रुपए का तेल भरा है, बल्कि वही जमाना अच्छा था जो कि सिर्फ 40 रुपए में तेल मिलता था। वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि कोई एक्टर को कभी लाइन में खड़ा होकर राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक गरीब को हर दिन वो चीज करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये सवाल आप लोगों से करता हूँ कि आप लोग
आपको कि बाकी सेलिब्रिटी जी रहे वो चीज जीना चाहते हो, आप क्या चाहते हो? आप गरीब रहना चाहते हो या अमीरों की तरह अपने सारे फायदे लेना चाहते हो? कोई एक्टर अच्छी लाइफ जी रहा है तो मैं क्यों नहीं जी रहा हूँ, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की आंखें आपकी तरह खुले। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।